गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। सब्जेक्ट है आपका हिंदी व्याकरण। तो चलिए बच्चों, आप ये अपनी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक खोल लीजिए और इसमें हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 11, जिसका नाम है अनेक तरह के शब्द। जिन्हें हम विलोम शब्द भी कहते हैं और इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए लिखा है, आओ दोहराएं। तो एक दूसरे के उल्टे अर्थ बताने वाले शब्दों को हम विलोम शब्द कहते हैं, जैसे ऊंचा नीचा, नया पुराना, छोटा बड़ा और लंबा नाटा। फिर देखिए आप यहाँ पे अभ्यास लिखा हुआ है, फिर मौखिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जिसमें क है अच्छा का विलोम शब्द बताइए। तो बताइए बच्चों अच्छा का विलोम शब्द क्या होता है। अच्छा का विलोम शब्द अच्छा का विलोम शब्द बुरा। और फिर है इसमें दूसरा प्रश्न, खो हाथी बड़ा है तो चूहा कैसा है बताइए। तो बच्चों हाथी बड़ा है तो चूहा छोटा। फिर नेक्स्ट पेज में देखिए आप, यहाँ पे लिखा है लिखित प्रश्न, उसमें देखो पहला है सही विलोम शब्द पर सही का निशान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे विलोम शब्द दिए गए हैं और जिनके दो उत्तर दिए गए हैं उसमें से हमें सही जो विलोम शब्द है उस पर टिक लगाना है। तो नया का होगा पुराना, पुराने पे टिक लगा देंगे हम। फिर दिन का होगा रात। फिर उठना का, उठना का होगा विलोम शब्द बैठना। और अंधेरे का होगा उजाला। इस तरह आप भी टिक लगाइए अपनी पुस्तक में। फिर दूसरा है वृक्ष पर लिखे शब्दों में से ढूंढकर उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो यहाँ पर वृक्ष में देखिए कुछ शब्द लिखे हैं जिन्हें हमने यहाँ पे लिखना है खाली स्थान पर। तो जिसमें पहला है हंसना का रोना, गीला का सूखा, सर्दी का गर्मी, सुबह का श्याम, बहादुर का क्या होता है डरपोक, और हार का जीत। तो इस तरह आप भी लिखिए। फिर इसमें तीसरा उल्टे अर्थ प्रकट करने वाले चिन्हों को, चित्रों को रेखा खींचकर मिलाइए। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है टेबल के ऊपर क्या है, ये कोई चीज़ रखी हुई है, और दूसरा देखो ये टेबल के नीचे रखा है। तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, है ना। फिर देखो यहाँ पे सूर्य एक में उग रहे हैं और एक में अस्त हो रहे हैं, तो इसे भी हम इस तरह मिला लेंगे। फिर देखो बच्चा है, बच्चा रो रहा है, यहाँ पे लड़की हंस रही है, तो यहाँ पे हंसना और रोना को मिला लीजिए। और फिर देखो यहाँ पे एक लड़का घर से बाहर को आ रहा है, दूसरा अंदर को, तो इस तरह बाहर और अंदर इन्हें मिला लीजिए आप। फिर है रचनात्मक कार्य, नीचे प्रत्येक टॉफी पर शब्दों के जोड़े दिए गए हैं, उनमें से सही विलोम शब्द वाले जोड़ों को टॉफी जोड़ों की टॉफी को रेखा खींचकर रोहित के हाथ तक पहुंचाइए। तो यहाँ पर देखिए कुछ टॉफी बनी है और जिन पर सही विलोम शब्द लिखे हुए हैं, जो आपको सही और गलत दोनों तरह के विलोम शब्द लिखे हुए हैं। तो आपको जो सही वाले विलोम शब्द हैं उन्हें रोहित के हाथ तक पहुंचाना है, रेखा के माध्यम से रोहित के हाथ तक पहुंचाना है। तो यहाँ पर देखो अच्छा और का बुरा, तो ये भी एकदम क्या है सही है। फिर प्रश्न का उत्तर भी सही है। फिर है लाभ का हानि, ये भी सही है। और देखिए आप अच्छा का बुरा, प्रश्न का उत्तर, लाभ का हानि, बड़े, फिर देखिए बड़ा का मोटा, बड़े का क्या होता है छोटा होता है, मोटे का पतला होता है। फिर हार का जीत, फिर देखिए आप यहाँ पे अमीर का है धनी,
अमीर का क्या होगा? अमीर का होगा गरीब। इस तरह मिलाइए आप। तो इस तरह बच्चों यह कार्य आज आप अपनी हिंदी व्याकरण की पुस्तक में कर लीजिए। तो चलिए कर लीजिए आप यह कार्य। ओके बच्चों, थैंक यू।